हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति का त्यौहार और सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हमारे यहाँ यूपी में इसे खिचड़ी के पर्व के नाम से मनाते हैं और आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी बनाई खिचड़ी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ इसका वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ मायके में तो ये खिचड़ी आज के दिन बनती है मकर संक्रांति के दिन, लेकिन ससुराल में हमारे नहीं बनती है। तो बस मैंने इसको कल शाम को ही बनाया था और आज मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ले लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम चावल और आधी कटोरी से थोड़ा कम ये उड़द की दाल। तो यहाँ मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है। आप छिलके वाली उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम खिचड़ी के लिए रख देंगे पानी गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, जितना हमने चावल दाल लिया है उसका 8 गुना हमको पानी रखना है गर्म होने के लिए। तो जैसे मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम चावल लिया है और आधी कटोरी से थोड़ा कम दाल ली है, तो मैं अगर दोनों को मिक्स करूंगी तो ये एक कटोरी हो जाएगा हमारा। तो मैंने इसका 8 गुना यानी कि 8 कटोरी पानी गर्म होने के लिए कुकर में रख दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया और साथ ही खटाई डालकर और कुकर के ढक्कन को इस तरह से ऊपर से रख कर और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं इधर चावलों को भी धुल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 पानी ये चावल अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालूंगी। तो देखिए मैंने 2 आलू थोड़ी सी गोभी इस तरह से ले ली है और मैं इसको कट करके इसमें साथ में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ जैसे मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो बहुत ही कम सब्जियाँ इसमें डाली क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं हैं। तो बस फ्रेंड्स, मैं गोभी और आलू को इस तरह से कट कर लेती हूँ और इसको भी अच्छे से धुल ले रही हूँ और इधर हमारा पानी भी अच्छे से उबलने लगा है और मैंने सब्जियों को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये उबलते हुए पानी में अपनी सब्जियों को डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने चावल धुल कर रखे हैं उसको भी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैं चावलों को इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से चलाएँगे और इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए मैं सारे चावल इसमें इस तरह से डाल दे रही हूँ और इसके बाद इसको चलाकर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग ये धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के लगभग हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। और बस फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करके और कुकर के ढक्कन को लगाकर हम 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई टू मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसको बारीक कट कर लिया है और 1 थोड़ा सा बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है मैंने, इसको भी अच्छे से छील के कट कर लेंगे और हम थोड़ी सी लहसुन की कलियों को भी छील लेंगे। और ये देखिए कुकर में सीटी आ गई है तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और जब कुकर का प्रेशर अपने आप ख़त्म हो जाएगा तभी हम इसको चेक करेंगे और हमारी बहुत ही परफेक्ट खिचड़ी बनकर बिल्कुल रेडी होती है इस तरह से। और देखिए मैंने प्याज को भी कट कर लिया और लहसुन को भी बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं प्याज टमाटर को अलग से फ्राई करके उसमें खिचड़ी डालूंगी, उसके बाद लहसुन का मैं अलग से तड़का लगाऊंगी। तो चलिए जब तक हमारा कुकर का प्रेशर ठंडा हो रहा है तब तक इधर मैं थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ क्योंकि हम लोगों को खिचड़ी के साथ रायता खाना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ सभी लोग खिचड़ी जब खाते हैं तो उसके साथ रायता या फिर छाछ वगैरह ज़रूर खाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी दही जमाई थी उसको एक बाउल में निकाल कर उसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर डाल दिया है भुना हुआ और अभी तक कुकर का प्रेशर हमारे ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए उसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और रायते में लगा देते हैं थोड़ा सा तड़का। तो फ्रेंड्स, रायता तो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, केवल दही में भुना हुआ जीरा पाउडर नमक डाल दिया है। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है और खाने में बहुत फ्लेवरफुल लगता है। तो मैंने 1 स्पून में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया है और तेल जब अच्छे से गरम हो गया तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा चटक गया तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसमें हल्का सा लाल मिर्च डालकर और बस इसको हम इसमें दही में डाल देंगे अपने और इसमें बहुत ही अच्छा ये देखिए तड़का लग गया है हमारे और इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, रायता तो हमारा बनकर रेडी हो गया है लेकिन अभी तक कुकर का प्रेशर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम तड़के की तैयारी करते हैं खिचड़ी में लगाने के लिए, तब तक धीरे धीरे प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा कुकर का। तो देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो गई तो उसमें सरसों का तेल डाल दिया है मैंने। आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हो उसको डाल सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में ना खाने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मैंने उसमें डाल दिया है तेल और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे जीरा
और जीरा डालने के बाद उसमें डाल देंगे प्याज। तो फ्रेंड्स प्याज को हमें ना यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, और अभी तक हमारे कुकर का प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब तक तड़का हमारा तैयार होगा तब तक कुकर की सीटी निकल जाएगी और हमारा कुकर खुल भी जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए बस। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, मैंने थोड़ी सी 2-3 पीस मिर्ची कट करके इस तरह से डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है खाना, तो मैं बस मिर्ची बहुत कम ही डालती हूँ खाने में। और देखिए जब तक हमारा वो हो रहा है तड़का तैयार, तब तक इधर देखिए कुकर का प्रेशर भी खुल गया और हमारी कितनी अच्छी खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसमें हम इस तरह से जब तड़का लगा देंगे ना तो ये और भी टेस्टी बन जाएगी। तो मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और डाला है, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम अपनी जो खिचड़ी हमने बना के रखी है उसको इसमें पलट देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम खिचड़ी को इसमें पलट देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसमें एक काम करना और बाकी है, जो हमने लहसुन कट करके रखे ना उसको मैं कलछी में अलग से लगाऊंगी तड़का। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं प्याज के साथ भी, लेकिन अगर जब हम अलग से लहसुन को इस तरह से फ्राई करके डालते हैं ना तो उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लहसुन का आता है। और मैंने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते भी खिचड़ी में डाल दिए हैं। और देखिए हमारी कलछी अच्छी सी गर्म हो गई, तो मैं फिर से इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ, और इसमें जो हमने लहसुन कट करके रखे थे उसको डाल दूंगी और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का। और सच मानिए इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है इस तरह से, आप बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने इसमें ना 2 लाल मिर्च को भी इस तरह से तोड़कर डाल दिया है और लहसुन भी डाल दिया है, और अच्छे से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं ऊपर से इसमें इस तरह से लगा दे रही हूँ तड़का, और बस हमारी खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से लहसुन की जब हम अलग से लगाते हैं तड़का लहसुन का, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है लहसुन का, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खिचड़ी खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी तो बनकर रेडी हो गई है, तो चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा रेसिपी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी रेसिपी से जुड़ी हुई नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके साथ मैंने ये रायता सर्व किया है। तो फ्रेंड्स मेरे बच्चे तो चल रहे हैं खाने, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।